हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम कांता राजपुरोहित है और कल वाले व्लॉग को मैंने दो पार्ट बना दिए क्योंकि एक व्लॉग बहुत लंबा जा रहा था। फिर मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे देखते देखते, तो मैंने कहा दो पार्ट कर देती हूँ। और आज हम लोग जाएंगे शाम को रिसेप्शन में, तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ और अभी चिक्कू को सुलाया है। मैंने आपको बताया था कि चिक्कू को सुला दूँ, फिर अब पहले तो सोचा कपड़े वगैरह निकाल लूँ, ज्वेलरी वगैरह जो पहनना वो सब कुछ रेडी कर देती हूँ। फिर सोचा चल यार ये मेहंदी के कौन फिर कब यूज आएंगे, तो फिर मेहंदी लगाने बैठ गई। और इस मेहंदी का क्या रिजल्ट रहता है अभी मुझे कुछ नहीं पता, फर्स्ट बार यूज कर रही हूँ। लगा दिया इस हाथ पे, अन्नू ने लगाई है पीछे, तो इसमें ऐसे राउंड राउंड बनाया, इसमें मैंने फूल बना दिया और पीछे भी फूल बनाया। पर ये मेहंदी ना बहुत गिल्ली आती है, तो फूल मैंने इतना सुंदर बनाया था पर ये फिर भी मिल गया, एक दूसरे के साथ मिल गया, डिजाइन कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और ये वाली मेहंदी मैंने फर्स्ट टाइम यूज करी है, जब मम्मी आई थी ना तो मम्मी ये मेहंदी के कॉर्न लाई थी कलर वाले, जो ये रेड कलर वाला कॉर्न है, जो मेरी जोधपुर में मेरी मासी रहती है तो मासी की शॉप से लेके आई थी मम्मी दो कॉर्न, जो मैंने आज फर्स्ट वाली यूज करा है। पर अब इसका कैसा क्या रिजल्ट रहता है अभी मुझे कुछ नहीं पता, हाथ धोने के बाद में पता चलेगा। और आज चिकू के पापा भी जल्दी आ गए हैं क्योंकि बाहर जाना है, इसलिए आज आ गई है 5 बजे। और अभी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, हो सकता है चिकू के पापा चाय बना दे बना दोगे मेहंदी लगी हुई ना, हाँ आज चिकू के पापा चाय बना देंगे। चाय पीनी है तो ठीक है, तो पीनी है तो ठीक है, मतलब पियेंगे तो दोनों ही, तो बनाओगे आप वो फेंकेगी नहीं, पीनी पड़ेगी पहले, हाँ, जैसे भी बनोगे पीनी पड़ेगी पहले, कह रहा हूँ ब्लैक टी तो चाय बोला तो बोलो ब्लैक टी, कैसे मैं बोलूँ अदरक डालना, ब्लैक टी चाय होती है, मैं तो ब्लैक टी नहीं पी रही, अपन अदरक डालना, ये ऊपर करना थोड़ा पल्ला है, अदरक डालना उसको देखते। तो फ्रेंड्स ये मैं मेहंदी धो रही हूँ, मुझे तो आई अंकल जा रहा है ना इधर उधर लग रहा है, पता नहीं कैसे क्या होएगा, ये तो सूख देता थोड़ी ही हाथ रेड होएंगे, चिपचिपी सी होगी पूरी, हाथ बहुत तेज चिपचिपी से लग रहा है, ज्यादा बाहरली साइड में मत घिसो, फूल है जटे जटे किस, अच्छा जो जल्दी ये अभी लगाया वो रेड है वो ज्यादा देर होगी वो मेहरून हो गया, ब्लैक हो गया मेहरून भी क्या, ये देखो ये ठंडा कपड़ा पोंछ लो, हां थोड़े सूखने भी तो चाहिए, पीछे मतलब तो साबुन से धो लूंगी जो बाकी रह गया वो मिट जाएगा, पीछे वाला रह गया ना, ये रह गया क्योंकि अभी लगाया है, अभी ये साथ के साथ रह गया, तो ये देखो कितना सुंदर दिखा, ये पूरा रेड दिखा प्रॉपर रेड, और इसको मेरे को इतनी देर रखनी नहीं थी, साथ के साथ धो लेनी थी, ये मुझे पता नहीं था, अभी मैं अच्छे से हैंड वॉश कर लेती हूं, हैंड वॉश लेके देखो ये उतर भी नहीं रही है यार, ये तो ठीक है शादियों में अक्सर मतलब जब घर की शादी होती है तो टाइम नहीं होता मेहंदी लगाने का, हम फटाफट में होते हैं, तो ऐसी मेहंदी लगा लेनी चाहिए कि फटाफट काम भी हो जाए और ऐसे भी ना लगे कि मेहंदी नहीं लगी। तो फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं रेडी रिसेप्शन में जाने के लिए, पर चिक्कू के पापा ने एक काम नहीं करा है, मतलब मेरे को बोले जल्दी कर तेरी वजह से लेट हो रहा है, जल्दी कर तेरी वजह से लेट हो रहा है, और जबकि मैंने सोरू को भी तैयार किया, चिक्कू को भी तैयार किया, खुद भी रेडी हुई हूँ, और मैंने इतना कुछ भी नहीं किया, नॉर्मली ड्रेस पहनी है पर थोड़ा सा टचअप किया, ज़्यादा कुछ मैंने ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत कम है, गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है,
तो फिर अब जा रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग हो गए रेडी और अभी शादी में जा रहे हैं खाना खाने, और जस्ट हमें अभी पता चला कि हमारे घर से जहाँ हम जा रहे हैं 20 किलोमीटर दूर है, तो हमें आधा घंटा तो करीबन लग जाएगा रास्ते में। तो देखो आज उपेंद्र जी थोड़ा हीरो बने, कोटी वोटी पहनी है और इन्होंने यही सेम ब्लेजर जो थोड़े टाइम पहले पहना था ऑफिस में वही पहन के जा रहे हैं। और अनु बहुत सुंदर लग रही है आज, चिकू के पापा तो रोज वाले लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए रिसेप्शन में और अभी चीकू के पापा बोल रहे हैं कि हम भी चलते हैं फ़ोटो खिंचवा के आते हैं ऊपर। तो हम लोग स्टेज पे जा रहे हैं, पर शर्म बहुत आती है सबके सामने ऐसे ऊपर जाती हूँ ना, तो उस वीडियो में मुझे बहुत डर लगता है गिरने के। तो फ्रेंड्स जिनकी शादी हुई है अभी, ये मेरे देवर और देवरानी लगते हैं परिवार में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मेरी देवरानी आए हैं अभी, ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से आए, क्योंकि मैं भी उधर से हूँ। जब उधर से कोई नई दुल्हन आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चिकू दही झुट्टा सोरू इधर आ। तो हम लोग तो बैठे थे और चिकू के पापा चले गए खाना खाने के लिए, उपेंद्र जी भी चले गए, मैं जो लेडीज़ थी उनके साथ बैठी थी। और अब लेडीज़ ने बोला कि कुछ लोग औरतें खाना खा रही है उधर, तो आप भी चले जाओ खाना खा लो। तो हम लोग भी खाना खाने के लिए जाएंगे, पर चिकू का मैं क्या करूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं करने देगा क्योंकि ये टिक ही नहीं रहा है। पूरे में राउंड मतलब जैसे इसका सारा ही सीखा हो ना, जान पहचान की जगह हो, तो वैसे घूम रहा था पूरे में। एक जगह ऐसी नहीं कि वो चिकू ने जाके चेक ना करी हो। फ्रेंड्स रिसेप्शन में मुझे कोसला बाईसा मिले जो मेरे गांव के हैं, तो उन बाईसा से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं पता एक साल से हम इधर रहते हैं, मैं और बाईसा एक ही जगह पे रहते हैं, फिर भी हम कभी मिले नहीं और आज अचानक से मिल गए। उपेंद्र जी तो गाड़ी में जाके बैठ गए, सो चिकू के पापा अभी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स खाना वाना सबका कंप्लीट हो गया, पर मुझे यहाँ पे ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं इधर जो लोग थे ना उनमें से बहुत कम लोगों को जानती हूँ। कि वैसे है तो ये मेरी फैमिली, पर ये लोग गांव में बहुत कम आते हैं, जो सासू जी वगैरह वो आते हैं, पर उनसे इतनी बात हुई। तो गाइस हम फंक्शन से आ गए, मम्मी भी आ गई, पर मम्मी को एक बार वॉमिट हुई बहुत ज़ोर से, तो हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, दो छाछ और दो सूप और एक दो छाछ के एक छाछ और दो आइसक्रीम। तो हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय। सोरू तू मत कर बाबू, अनु मासी और चिकू खेल रहे हैं। विनय सोरू नहीं, चिकू की लग जाएगी। सोरू मत कर।
तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं मैं आज कैसी लग रही हूँ और जो दूल्हा दुल्हन थे वो कैसे लग रहे थे, सबके बारे में ज़रूर बताना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।